नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। ये आज का जो मैं टाइपिंग सैंपल आपको दे रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो गई है, उनके लिए काफी चैलेंजिंग टाइपिंग सैंपल है। क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी सर कि हमको एक कठिन सा टाइपिंग सैंपल दीजिए, तो मैं आपको ये टाइपिंग सैंपल दूंगा। देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इसमें 25 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड ले आते ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। आप देखिए, इसको टाइप कीजिए और अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करिए। क्योंकि ऐसे कुछ टाइपिंग टेस्ट मैं नहीं कहता कि जो एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट आएगा पूरा ऐसा होगा, लेकिन उसमें कुछ पार्ट जरूर ऐसा होगा जहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करिए, जमकर प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अभी अपना फोकस सिर्फ टाइपिंग या रिजल्ट की वेट करने के चक्कर में ना रहे। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके नंबर 150 से नीचे हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और ओबीसी में आप इसको -5 कर लीजिएगा, एससी में आप -15 या 20 कर लीजिएगा। जिनके ऐसे नंबर हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आप भाई आरओ कुछ की उम्मीद छोड़ गए, एआरओ पे लग जाएं। क्योंकि एआरओ पे का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, आप उसकी तैयारी कीजिए, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। प्लस आप मेरे को बनाएं कैसा आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस आपको एआरओ में जो आपने अभी अगर किसी ने आरओ के कुछ पेपर दिए हों तो उनमें उनको किस सेक्शन में दिक्कत हो रही है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि एआरओ से पहले एक बड़ा सा पोर्शन स्टैटिक का आता है, स्टैटिक जो आता है, मैं वो पूरा कर दूं एंड टू एंड। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। करंट की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि करंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, और मेरे हिसाब से जो मैं फ्रेंकली बोलूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना मिलता नहीं है। तो उससे बेटर है कि आप स्टैटिक पार्ट बढ़िया करें। स्टैटिक पार्ट से आप देखेंगे जो प्रीवियस पेपर है काफी अच्छा सेक्शन आता, बड़ा इंग्लिश पे ज्यादा वर्क करना है। तो बस यही मेरा इस चैनल का ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी मिलते हैं, होली को एंजॉय करिए, और अब वेट ना करिए, 16 तारीख के बाद टाइपिंग का की डेट कभी भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।